हेलो एवरीवन, मैं नवल सिंह, बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जो बच्चे आरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं, एसआई के लिए और कॉन्स्टेबल के लिए, उनके लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है एक खुशखबरी लेके आया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है एसआई और कॉन्स्टेबल की भर्ती के लिए, यानी एसआई और कॉन्स्टेबल की भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन मिल गया है। उसी नोटिफिकेशन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। कुल पद कितने हैं, योग्यता क्या रहेगी, आयु यानी एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, पूरा हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक हमारी वीडियो के साथ। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीबीसी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट भर्तियों की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपन एसआई का नोटिफिकेशन है। सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन जो है वो रेलवे ने जारी कर दिया गया है। सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस आरपीएफ 01/2024, जिसका नंबर है किसके लिए, रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन रेलवे। बात करें इसकी ओपनिंग डेट की, तो ओपनिंग डेट है 15/4/2024, यानी 15/4/2024 से फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और फॉर्म कब तक चलेंगे, 14/5/2024 तक, यानी 14 मई तक ये फॉर्म चलेंगे। लगभग एक महीने का अपने पास टाइम है ये फॉर्म अप्लाई करने का। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है तो एक महीने तक पूरे कर लीजिए और 14/5 तक आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। उसके बाद यदि कोई मिस्टेक रह जाती है तो मॉडिफिकेशन आप 15/5/2024 से 24/5/2024 तक आप क्या कर सकते हो, अपना जो करेक्शन है उनको कर सकते हो। यदि बात करें पोस्ट की, तो सबसे पहले पोस्ट का नाम क्या है, सब इंस्पेक्टर लेवल 6 की ये पोस्ट है, जिसके अंदर आपको 35,400 रुपए इनिशियल पे मिलेगी। एज लिमिट जो है वो 20 से 28 साल इसके अंदर रखी गई है, 20 से 25 साल होती है, 3 साल कोरोना का रिलैक्सेशन इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया, यानी एज कितनी होगी, 20 से 28 साल रहेगी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 452। इन 452 में से कैटेगरी वाइज डिविजन आप यहाँ देख सकते हो, अनरिजर्व की 157 है, एससी की 57 है, एसटी की 28 है, ओबीसी की 104 है, ईडब्ल्यूएस की 38 है, टोटल 384 जो है वो किसकी है, मेल की। इसी प्रकार फीमेल का यदि अपन देखें कैटेगरी वाइज, तो फीमेल में अनरिजर्व 28, एससी की 10 है, एसटी की 5 है, ओबीसी की 18 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, टोटल होगी 68। और उसके अलावा एक्स एसएम एक्स सर्विस जो है उनके लिए 10% यहाँ पे कोटा रखा गया, यानी 45 पोस्ट वहां पे इनकी भी रहेगी। तो ये टोटल पोस्ट है। यदि इनकी बात करें अपन कि एज लिमिट की, तो एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हो, समय में क्योंकि 20 से 25 साल, लेकिन रिलैक्सेशन देख देखे 3 साल कोरोना का, तो इसका आपका एज का लिमिट हो गया 20 से 28 साल। अलग अलग रिलैक्सेशन की यदि बात करें, इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है वो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है, उसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए, अनरिजर्व के लिए 3 साल है, ओबीसी के लिए 6 साल है, एसटी एसटी के लिए 8 साल है। इसी प्रकार फीमेल्स जो है उनके लिए भी अलग अलग है, तो रिलैक्सेशन है वो आपको तो यहाँ पे मिल जाएगा, साथ साथ मिल जाएगा फुल नोटिफिकेशन में, तो वहां पे आप देख सकते हो और उसी अनुसार फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कट ऑफ डेट भी आपको देखी हुई मिल जाएगी, कट ऑफ डेट ऑफ मिल जाएगी आपको पॉइंट नंबर 5.2 में, यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा मिल जाएगा कि किस डेट तक आपकी एज है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके पहले या बाद वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद करें कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो सब इंस्पेक्टर का क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास ग्रेजुएशन किया हुआ होता है, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है, लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे हो उस डेट में आपके पास जो है मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, यानी जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो फाइनल ईयर में अपेयर हो रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिनके पास मार्कशीट है, यानी जिनके पास ग्रेजुएशन के परसेंटेज है पूरे, अंतिम मार्कशीट उनको मिल गई है, वही फॉर्म जो है वो अप्लाई कर पाएंगे। एग्जामिनेशन फीस की यदि बात करें, तो एग्जामिनेशन फीस रहेगी अपनी ऑल कैंडिडेट जिनको, उनके अलावा जिनको सीरियल नंबर 2 के अंदर, यानी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल और माइनॉरिटीज और ईबीसी, इनके अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए फीस रहेगी 500 रुपए, और बाकी सबके लिए, यानी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज और ईबीसी,
वालों के लिए फीस रहेगी ₹250। तो ये एग्जामिनेशन फीस रहेगी। और जब आप पहला एग्जाम दे देते हो, सीपीटी एग्जाम जब आप दे देते हो, तो इन्हीं में से जैसे सीरियल नंबर 1 के अंदर आपको ₹500 फीस लगी है, तो इसमें से ₹400 आपको रिफंड हो जाएंगे। वो कहाँ पे रिफंड हो गए? आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफंड हो जाएंगे। तो आपको बैंक अकाउंट जो नंबर है वो अच्छी तरह से फिल करना है, ताकि वो आपके सीबीटी एग्जाम के अंदर अपीयर होते ही आपको पूरा पूरा आपका ₹400 आपको वापस मिल जाएंगे। इसी प्रकार जो SC ST एक्सक्लूसिव फीमेल माइनॉरिटी और ABC वाले बच्चे हैं, उनको ₹250 ही रिफंड हो जाएंगे। कंडीशन क्या है? आपको सीबीटी एग्जाम के अंदर अपीयर होना जरूरी है। उसके बाद यदि बात करें अपने एग्जामिनेशन पैटर्न की, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपकी तीन स्टेज रहेगी। सबसे पहले रहेगा सीबीटी, सबसे पहले क्या रहेगा सीबीटी, सीबीटी के बाद रहेगा आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT जिसको बोल देते हैं, और उसके बाद रहेगा DV। तीन आपके स्टेज रहने वाले हैं, सीबीटी PMT और DV। अब सबसे पहले बात करें सीबीटी की, तो सीबीटी के अंदर आपका टोटल ड्यूरेशन होगा 90 मिनट, यानी 90 मिनट का एग्जाम होगा आपका। 120 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन एक नंबर का होगा, और उसके अंदर भी यदि आपने कोई गलत क्वेश्चन कर देते हो तो नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। मिनिमम पास परसेंटेज भी है, अनरिजर्व्ड EWS और OBC के लिए 35% कम से कम लेके आने आपको, और SC ST वालों के लिए 30% कम से कम लेके आने। ये भी स्कोर आपका नहीं होता है तो आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर गिना ही नहीं जाएगा। तो ये आपका पूरा रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीबीटी का। सीबीटी के बाद आपका होगा PMT और PMT के बाद होगा DV। इसके बाद यदि बात करें सीबीटी के सिलेबस की, तो सिलेबस और सीबीटी का है उसके अंदर है, सबसे पहले अर्थमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स होगा। मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार दूसरा पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, इसका भी पूरा सिलेबस आपको डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। और तीसरा पार्ट है अपना जनरल अवेयरनेस का। अर्थमेटिक्स के 35 मार्क्स यानी 35 क्वेश्चन ही आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस के आएंगे 35 और जनरल अवेयरनेस के आपके आएंगे 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस के अंदर अपना स्पोर्ट्स कल्चर और अपना जनरल पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस, ये सभी इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो ये पूरा सिलेबस रहेगा। तो ये है पूरा SI का अपना पूरा सिस्टम। SI का पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, ये सारी चीजें अपने डिस्कस कर दी। अब बात करते हैं कॉन्स्टेबल की। तो दूसरी भर्ती जो है, सॉरी सबसे पहले एक चीज और रहेगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात कर लें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उसके अंदर यदि आप सब इंस्पेक्टर मेल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 1600 मीटर की जो दौड़ है वो आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्लियर करनी है। लॉन्ग जंप आपको 12 फुट का लॉन्ग जंप आपका होना चाहिए, और हाई जंप होना चाहिए 3 फुट 9 इंच का। यदि बात करें सब इंस्पेक्टर फीमेल की, तो आपको 800 मीटर की रेस जो है वो 4 मिनट के अंदर पूरी करनी है। लॉन्ग जंप होना चाहिए 9 फुट का और हाई जंप होना चाहिए 3 फुट का। इसी प्रकार यदि बात करें अपन चेस्ट की, तो हाइट और चेस्ट की, तो मेल के अंदर यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर EWS के अंदर या OBC के अंदर आते हो, तो मेल के अंदर आपकी हाइट होनी चाहिए 165 और फीमेल के अंदर होनी चाहिए 157, ये सेंटीमीटर के अंदर है। इसी प्रकार SC ST के अंदर आपकी हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। और यदि आप गोरखा हो, गढ़वाली हो, मराठा हो, डोगरा हो, ये सब हो यदि, तो आपकी हाइट जो है वो मेल के अंदर 163 और फीमेल के अंदर 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि बात करें मेल कैंडिडेट्स के अंदर चेस्ट की, तो मेल कैंडिडेट्स जो है उनके अंदर चेस्ट जो है वो फुली हुई और बिना फुली हुई दोनों प्रकार से नापी जाएगी। फुली हुई और बिना फुली हुई की बात करें यदि अपन अनरिजर्व्ड के अंदर या EWS या OBC के अंदर, तो सामान्य जो चेस्ट है आपकी 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुली हुई स्थिति के अंदर आपकी चेस्ट जो है 85 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यदि आप SC ST के हो तो 76.2 सेंटीमीटर सामान्य अवस्था में और 81.2 सेंटीमीटर आपका
है फूली हुई अवस्था में होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। इसी प्रकार घर वाली गोरखा जो मराठा जो है उनके लिए एक्सपेंडेड यानी सामान्य अवस्था में 80 सेंटीमीटर और जो फुली हुई अवस्था है वो 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट की। तो ये हो गया अपना बात एसआई की। अब बात करते हैं अपन कॉन्स्टेबल की। कॉन्स्टेबल की जो वैकेंसी है उसका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर कितना है 02/2024। इसके लिए रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको रेलवे की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा या बीबीसी स्टडी ऐप के ऊपर भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। यदि बात करें ओपनिंग एप्लीकेशन सेम रहेगा 15/4/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो गए, 14/5/2024 तक फॉर्म चलेंगे और करेक्शन आप 15/5/2024 से 24/5/2024 तक कर सकते हो। कॉन्स्टेबल का पोस्ट है लेवल 3 की, इसकी क्या रहे पे स्केल रहेगी 21,700 पोस्ट है और 21,700 इनिशियल पे है। 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए कोरोना पीरियड को इंक्लूड करते हुए और वैकेंसी टोटल है 4,208। इसके अंदर से मेल और फीमेल का अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवीजन आप यहाँ पे देख सकते हो, कैटेगरी वाइज डिवीजन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो टोटल पोस्ट लेने 4,508। यदि इनकी बात करें तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी एज की। सबसे पहले तो सभी को 18 से 25 साल एज लिमिट होती है, लेकिन 3 साल इंक्लूड करके 18 से 28 साल पहले से ही कर दिया गया। एज जो है 1/7/2024 के अनुसार कैलकुलेशन की जाएगी। इसके अलावा छूट जो है वही एसआई के अंदर छूट थी, वही छूट आपको यहाँ पे मिलेगी। थोड़ा बहुत यदि चेंज है तो आप यहाँ से देख सकते हो, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो कॉन्स्टेबल की जो पोस्ट है उसके अंदर क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 10th पास। 10th पास आपको होना चाहिए, 10th पास यदि आप हो गए तभी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम फीस वही सेम रहने वाली है, ₹500 एग्जाम फीस रहेगी इसकी। उन सभी कैंडिडेट्स की जो एससी के अंदर नहीं आते, एसटी के अंदर नहीं आते, एक्स सर्विसमैन के अंदर नहीं आते, फीमेल और माइनॉरिटी और ईबीसी कैटेगरीज के अंदर नहीं आते, उन सबको ₹500 फीस देनी है। जिनमें से यदि आप सीबीटी एग्जाम के अंदर अपीयर हो जाते हो तो ₹400 आपको रिफंड हो जाएंगे। इसी प्रकार एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज और ईबीसी वाले कैंडिडेट जो है उनको ₹250 एग्जाम फीस देनी है और सीबीटी एग्जाम के अंदर अपीयर होते ही आपको ₹250 जो है वापस रिफंड हो जाएंगे आपके बैंक अकाउंट के अंदर। यदि इसकी बात करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो इसके अंदर भी 3 स्टेज है। सीबीटी पहला है, उसके बाद पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। यदि सीबीटी की बात करें तो सीबीटी इसके अंदर भी क्या है 90 मिनट का टाइम ड्यूरेशन रहेगा, जिसके अंदर 120 क्वेश्चन होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर भी है, मिनिमम पासिंग मार्क 35% और एससी एसटी वालों के लिए 30% मिनिमम पासिंग मार्क्स दिए हुए हैं। यदि अपन बात करें सिलेबस की सीबीटी की, तो सिलेबस के अंदर भी अर्थमेटिक्स के 35 मार्क्स का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 मार्क्स का रहेगा और जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये पोस्ट रहेगी पूरी कॉन्स्टेबल की। इसके अंदर अपन बात करें फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो इसके अंदर 1600 मीटर की रेस जो है मेल कैंडिडेट को 5:45 के अंदर क्लियर करनी है। लॉन्ग जंप इसका रहेगा 14 फीट का, हाई जंप रहेगा 4 फीट का। इसी बात करें यदि बात करें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो 3:40 के अंदर उनको 800 मीटर की दौड़ जो है वो कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप रहेगा 9 फीट का, हाई जंप रहेगा 3 फीट का। ये आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको देना पड़ेगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की अपन बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के अंदर हाइट और फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर हाइट आपको यहाँ पे टेबल के अंदर मिल जाएगी। हाइट दी हुई है सेंटीमीटर के अंदर। अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी, वहीं फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट रहेगी। एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट और फीमेल के लिए रहेगी 152 सेंटीमीटर की हाइट। ग्वारीज घरवालीज गोरखाज और मराठाज डोगराज इन सब के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट्स की और 155 हाइट रहेगी सेंटीमीटर के अंदर फीमेल कैंडिडेट्स की। यदि बात करें चेस्ट की, जो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के ऊपर मेजरमेंट लागू होता है, वहां पे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 80 सेंटीमीटर की चेस्ट चाहिए सामान्य अवस्था के अंदर और 85
सेंटीमीटर की चेस्ट रहेगी एक्सपेंडेड यानी फूली हुई। एससी एसटी के लिए भी 76.2 सेंटीमीटर की चेस्ट चाहिए सामान्य अवस्था के अंदर और 81.2 सेंटीमीटर चाहिए आपको फुली हुई अवस्था के अंदर चेस्ट। जब आप फुलाते हो तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। इसी प्रकार घरवाली, गोरखाज, मराठाज, डोगराज इन सब के लिए जो है सामान्य अवस्था के अंदर चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुली हुई अवस्था के अंदर चेस्ट चाहिए 85 सेंटीमीटर। तो ये है अपनी वैकेंसी एसआई और आरपीएफ की जो आपके लिए रेलवे ने जारी कर दिया है और आशा करते हैं कि आप सभी इनकी तैयारी अच्छी तरह से करोगे। एक बार पुनः देख लीजिए कितनी पोस्ट रहने वाली है। यदि अपन बात करें एसआई की तो एसआई के अंदर 452 पोस्ट है। वहीं यदि अपन बात करें कॉन्स्टेबल की तो कॉन्स्टेबल के अंदर आपको पोस्ट देखने को मिलेगी 4208। तो आशा करते हैं सभी विद्यार्थी जो हैं अच्छी तरह से तैयारी करेंगे और अपने जीवन के अंदर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। तो ये थी पूरी जानकारी अपनी रेलवे के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट देना न भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।